फाइनली एंसेंट ओएस रोम का रिव्यू करने जा रहा हूँ। हालांकि काफ़ी लेट बिल्ड भी आया है, बाकी काफ़ी सारे डिवाइस के लिए 7.1 का काफ़ी पहले ही आ चुका था, जैसे नोट 5 प्रो का, नोट 4 का भी। फिलहाल पोको एफ वन के लिए अभी आया, और भी काफ़ी सारे डिवाइस के लिए अभी काफ़ी लेट देखने को 7.1 मिल रहा है। अब इसका भी मिल गया, पोको एफ वन का भी 7.0 लास्ट था, अभी 7.1 भी आ गया है। अब देखते हैं कितने चेंजेस हुए, जो भी चेंजेस उनके बारे में सिर्फ बताने वाला हूँ, बाकी सेटिंग नहीं बताने वाला, क्योंकि ऑलरेडी एक 30 मिनट का वीडियो बना रखा हूँ फर्स्ट वाला, जिसमें कंप्लीट रिव्यू कर रखा हूँ। तो कस्टमाइजेशन के बारे में जानना होगा तो वो वाली वीडियो आप देख लेना, आई बटन पे मैं आपको दे दूंगा, उसमें कंप्लीट रिव्यू कर रखा हूँ। फिलहाल इसमें सिर्फ चेंजेस जो हुए हैं, जो न्यू ऐड हुआ है या कुछ रिमूव हुआ है, उन्हीं के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। तो जैसे कि एसेंट ओएस का ये 7.1 का ऑफिशियल एंड्रॉइड 13 बिल्ड है, और जैसे कि आपको बताया कि काफ़ी लेट बिल्ड आया है ये। सिक्योरिटी पैच अभी भी फरवरी 2023 की मिलती, कर्नल भी बिल्कुल सेम है, कवाई 1.1 पहले भी यही था, सेलिनक्स स्टेटस इन्फोर्सिंग मिलता जैसे कि पहले मिला करता था। और अब अगर बात करें इसके एनिमेशन को लेकर के क्यूएस लैग के बारे में, तो कभी कभार जिटर मिलता है, हमेशा नहीं रहता, लेकिन हाँ कभी कभार हल्का सा जिटर मिल जाता है, हमेशा नहीं रहता वो चीज़ आपका, कभी कभार ही देखने को मिलता है। बाकी इंटरनेट टाइल पर हॉटस्पॉट मिल जाता है, ब्लूटूथ टाइल अभी नॉर्मल ही रहता है, होल्ड करोगे डायरेक्ट मेन सेटिंग्स पे चला जाता है। अगर हम इसके एडिट में जाते हैं, तो एडिट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे एडिट के अंदर में कोई भी टाइल्स आपको न्यू देखने को नहीं मिलता, पहले ही वाले हैं, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स भी वही पहले वाली ही देखने को मिलती है, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुआ है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में कोई भी लैग नहीं मिलता, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ बिल्कुल स्मूथ आपका यहाँ पे रहने वाला है। और वॉल्यूम पैनल सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर बात करें ऐप ओपनिंग के बारे में, तो ये भी जो है काफ़ी अच्छा मिलता है और स्मूथ रहेगा, यहाँ पे भी कुछ भी असर नहीं हुआ है, ये आपका पहले जैसा यहाँ पे रहने वाला है। और अब बात करें प्ले स्टोर के बारे में, तो प्ले स्टोर बिल्कुल सर्टिफाइड आता है, यानी कि बैंकिंग ऐप आप आराम से यूज़ कर पाओगे, सेफ्टी नेट इसके अंदर बिल्कुल पास रहने वाला है। और यहाँ पे वॉलपेपर स्टाइल के अंदर सिर्फ न्यू वॉलपेपर ऐड हुआ है, पहले दूसरा था एसेंट ओएस का, बस ये अभी आपको देखने को मिल रहा है, बाकी और कोई चेंज नहीं है। थीम आइकन कस्टम वाला यूज़ करना होगा, एपीके डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, और इसका जो लॉन्चर है वो भी पिछले अपडेट में डिटेल्स में बता रखा हूँ, इस अपडेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इस अपडेट में इसकी जो सेटिंग्स हमें देखने को मिल रही है, पूरी वही सेम सेटिंग्स है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। यहाँ पर रैम जो है आप चेंज भी कर सकते हो, इसका स्टाइल जो है नेक्स्ट करके, बाकी यहाँ कोई चेंज हुआ नहीं है। और कैमरा बिल्कुल सेम रहेगा, कैमरा भी यहाँ पे आपका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है 1080 60 FPS तक दिया हुआ है, बट पैच डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उसको फ्लश करोगे तो 4K भी सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी स्लो मोशन 120 FPS काम नहीं करता, बाकी सारी चीज़ें काम करेंगे, एंड वाटर मार्क उसका बग रहेगा, वो काम नहीं करेगा। बाकी GCam आप मैनुअली इंस्टॉल करके यूज़ कर पाओगे, अच्छे तरीके से काम करता, उसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वाइड बाइन L1 का सपोर्ट भी मिलता है, तो इसको लेकर के भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले भी अच्छे से काम करता और अभी भी वर्किंग है, FM वर्किंग है। गेम स्पेस अब यहाँ ऐप ड्रॉअर पे देखने को मिल जाता, तो यहाँ से ऐड कर लेना, बाकी आगे गेम आपको दिखाऊंगा कैसा गेम स्पेस का इंटरफेस है, वो भी क्योंकि चेंज हुआ है। एंड गूगल फोटो के अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज अवेलेबल है, तो इसको लेकर के भी हमें कोई दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। और अब कॉलिंग की बात करें, तो कॉलिंग में हमारा वॉल्टी काम कर रहा है, कैरियर वीडियो कॉल वर्किंग था पहले भी और अभी भी वर्किंग है, एंड वाईफाई कॉलिंग वर्किंग है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर वर्किंग मिल जाता है। कॉल रिकॉर्डिंग पिछले में जो है काम नहीं कर रहा था, बट अभी जो है बिल्कुल इसी तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग वर्किंग, हाँ अलर्ट कर देता बट वर्किंग रहेगा। और ब्लूटूथ डिवाइस आपका मीडिया कॉलिंग दोनों के अंदर काम कर, और लेटेस्ट UI गूगल डायलर का मिल जाता है। एंड यहाँ पे बैटरी की बात करें, तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 87% मिला है, पिछले में 85 था। तो बैटरी ज़रूर आपकी इंप्रूव हुई है, पहले के मुकाबले थोड़ी इंप्रूवमेंट आपको मिलती है बैटरी के अंदर में, तो ये ज़रूर इंप्रूव हुआ, पहले 85 था सेम यूजर्स पे, अभी 87% मिल रहा है। और यहाँ पे ड्रेन की बात करें, तो रात में जो है 50% था, और मॉर्निंग में जब देखा था तो यहाँ पे 48% देखने को बैटरी मिला था, यानी कि 2% का ड्रेनिंग जो है देखने को मिल जा रहा है। अब चार्जिंग को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे करीब जो है आप देखोगे तो 54% चार्ज होने में 1.5 घंटे लगे हैं, 1 आवर 27 मिनट, यानी कि 46% से लेकर 100% होने में 1.5 घंटे करीब जो है लग गए, तो इतना टाइम जो है चार्जिंग में हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी बैटरी से रिलेटेड। अब बात करते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट के बारे में, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ, ये आपकी पूरी की पूरी सेटिंग्स सेम ही रहने वाली है। कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर भी कोई चेंज नहीं है, कास्ट काम कर रहा है। एंड क्राफ्ट विद हार्ट के अंदर एडोन में ऊपर कहीं चेंज नहीं हुए, बट हेडर इमेज के अंदर अब क्या हुआ है कि कस्टम हेडर इमेज का ऑप्शन दे दिया गया, पहले ये नहीं मिलता था, पहले इसके अंदर ही खुद से इमेज कुछ हमें देखने को मिलती थी, बट यहाँ पे कस्टम वाला अब यहाँ पे दे दिया गया, तो कस्टम आप यूज़ कर पाओगे, पहले इस जगह यहाँ पे नीचे में यहाँ पे जो है इसके खुद की इमेज जो है देखने को मिलती थी, वहाँ से आप चेंज कर पाते थे, तो उसको रिमूव कर दिया गया, कस्टम वाला भी यहाँ पे दे दिया गया है।
और यहाँ पे नीचे कहीं पे चेंज नहीं है, ये स्टेटस बार हाइट वेट एडजस्ट यहाँ से आप कर पाओगे। स्टेटस बार के अंदर भी ऊपर यहाँ पे कहीं पे भी हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। एंड अदर स्टेटस बार आइकन के अंदर से कंबाइंड सिग्नल को ऑफ कर लेना ताकि आपका सिग्नल आइकन शो करने लग जाए। बाकी चेंज इस अपडेट में कोई भी यहाँ पे नहीं मिलता है। एंड क्लॉक का भी बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें बिल्कुल डिटेल्स में बता रखा हूँ, तो वीडियो आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा है। बाकी यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। बैटरी स्टाइल ये सब भी आपका वही पहले वाला ही रहेगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। और इस बैटरी से रिलेटेड जो सेटिंग्स है ये भी पूरा सेम है। एंड यहाँ पे भी सिग्नल से रिलेटेड ये सब जो वाईफाई आइकन ये सब दिया गया सब सेम है। थीम्स के अंदर में डार्क थीम्स हमारा पूरा सेम रहेगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। और क्विक सेटिंग स्टाइल सेम रहेगा। सेटिंग जो बेस लेआउट है वो भी बिल्कुल सेम है, यहाँ नीचे यहाँ तक किसी में कोई चेंज नहीं हुआ। कार्ड व्यू ये सब के बारे में डिटेल्स में ऑलरेडी बता रखा हूँ, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है। एसन का जो सेटिंग्स थीम है ये कोई चेंज नहीं, अबाउट फोन हो गया हमारा, यहाँ पे भी चेंजेस हमें नहीं मिलता है। सेटिंग्स का होम पेज के लिए भी यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब नीचे आते हो तो यहाँ पे क्लॉक फॉर्मेट ये पहले से था, बट इसके नीचे जो क्लॉक का लॉक स्क्रीन क्लॉक का कलर का ऑप्शन दिया गया है ये हमें न्यू देखने को मिल जाता है। तो ये एक यहाँ पे चेंज मिलेगा, साथ साथ लॉक स्क्रीन का क्लॉक फॉन्ट जो है ये भी यहाँ पे न्यू मिल जाता है। ये दो चेंजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। नीचे फिर आइकन्स में भी यहाँ पे ज़्यादातर में कोई चेंज नहीं हुआ है। डाटा आइकन स्टाइल हो या फिर आपका सिग्नल आइकन स्टाइल हो, स्टेटस बार आइकन स्टाइल हो, इनमें किसी में कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे चेंज जिसमें हुआ है उसकी अगर बात करें तो वो सिर्फ आपका वाईफाई आइकन स्टाइल है। इसके अंदर सिर्फ यहाँ पे आउटलाइन वाला जो है वाईफाई आइकन स्टाइल है ये न्यू देखने को मिल जाता है, बाकी कहीं पे कोई चेंज नहीं है। कॉर्नर स्टाइल ये सब स्विच स्टाइल ये सब आपका पूरा सेम है। थीम सेटिंग्स भी सेम ही है। और क्विक सेटिंग्स में जाते हो तो ऊपर कहीं पे यहाँ पे हमें चेंजेस नहीं मिलता है। नीचे फिर यहाँ पे अगर हम आते हैं तो ये भी जो है क्यूएस पैनल बैकग्राउंड ये सब पूरा सेम है, वाइब्रेशन का भी। बट यहाँ पे एक नोटिफिकेशन अब एक नोट एक तरीके से दे दिया गया कि अगर आपको क्विक सेटिंग्स जो है कस्टम ब्राइटनेस स्लाइडर स्टाइल चेंज करना है तो क्विक सेटिंग्स जो है नॉर्मल डिफॉल्ट वाला यूज़ करना होगा। पहले ये नोट यहाँ पे नहीं मिलता था, बस अब वो लिखा रहेगा। एंड बटन के अंदर फिर बटन पूरा सेम है, बटन में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। और पावर मेन्यू भी वैसे सेम ही रहेगा, पावर मेन्यू में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। जेस्चर के अंदर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, एक तो टैप टू स्लीप यहाँ पे पहले था जो कि स्टेटस बार और लॉक स्क्रीन दोनों के लिए एक ही जगह था, अब दोनों को अलग अलग कर दिया गया। स्टेटस बार का यहाँ पे ये मिल जाता, नीचे देखोगे तो लॉक स्क्रीन के लिए डबल टैप स्लीप अब अलग मिलता है। और यहाँ पे डबल टैप चेक फोन ये भी जो है यहाँ पे न्यू ऐड किया गया है, लेकिन यहाँ पे डबल टैप लॉक स्क्रीन स्टेटस बार का अलग अब मिलता है। एंड यहाँ पे प्लेबैक कंट्रोल जो है ये हमें मिल जाएगा। सिस्टम नेविगेशन के अंदर कोई चेंज नहीं है, सिस्टम नेविगेशन के अंदर एक एक ऑप्शन पूरा सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। और अब चलते हैं हम यहाँ पे बाहर में, तो यहाँ पे नेविगेशन बार है जिसमें नेविगेशन बार स्टाइल ही सब आपका पहले वाला है, इसमें भी एक भी चेंज नहीं है। और लॉक स्क्रीन के अंदर जाते हो तो यहाँ पे अब आपको जो है लॉक स्क्रीन का जो क्लॉक साइज स्टाइल के लिए दिया गया है ये न्यू मिल जाएगा। और लॉक स्क्रीन के यहाँ पे ग्रेडियंट जो क्लॉक का स्टाइल है वो अगर आप चेंज करना चाहो तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ यहाँ पे यहाँ पे देखोगे तो ग्रेडियंट का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन मिल जाता है, अलग अलग कलर के ऑप्शंस मिल जाएंगे, कस्टम कलर लगा पाओगे लॉक स्क्रीन क्लॉक पे। अभी जैसे क्लॉक स्टाइल मैं चेंज किया आपको दिखाता हूँ एक बार, तो लॉक स्क्रीन का जो क्लॉक स्टाइल आप देख सकते हो बिल्कुल चेंज हुआ। अब इसका जो कलर है वो ग्रेडियंट कलर आप कर पाओगे जो कि उसके नीचे ही ऑप्शन ये वाला जो है मिल जाता है, तो यहाँ से ग्रेडियंट कर पाओगे और यहाँ से अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर पाओगे कलर्स को। अगर आपको कस्टम यूज़ करना है तो कस्टम भी मिल जाएगा। ये पूरा न्यू ऐड हुआ है यहाँ पे, और ये जो आपको यहाँ से मिल रहा है नीचे इतना ये पूरा लेटेस्ट है। अम्बेंट ईओडी कस्टमाइजेशन भी लेटेस्ट है जो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे आपके काम करेगा। और ये ईओडी के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो आपका वहाँ पे शो करने वाला, उस टेक्स्ट को आप पूरे तरीके से कस्टमाइज कर पाओगे। तो इसके लिए जो है यहाँ पे ये दिया हुआ ये न्यू मिलता है। फिर इसके नीचे यहाँ पे जो है कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है पहले रिपल इफेक्ट था जो कि फिंगरप्रिंट एनिमेशन को ऑन ऑफ कर सकते थे, बट वो उस ऑप्शन को रिमूव कर दिया गया। साथ साथ बाय डिफॉल्ट जो है रिपल इफेक्ट एनिमेशन था उसको भी रिमूव किया गया है सेटिंग के साथ में, तो ये काफ़ी अच्छा है। एंड नोटिफिकेशन के अंदर फिर यहाँ पे मुझे कोई चेंज हालांकि देखने को मिला नहीं है, ये पूरी तरीके से सेम है, एक भी चेंज इसके अंदर नहीं मिला है। और वैसे तो एनिमेशन में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ सेम है। बैटरी के अंदर भी आपको कोई चेंज नहीं मिलने वाला है। मिसलेनियस के अंदर गेम स्पेस अब यहाँ पे मिलता है, पहले ऐप्स वाली सेटिंग्स में था बट यहाँ पे अब ऐड कर दिया गया, वहाँ से रिमूव करके यानी कि मूव किया गया यहाँ पे, और कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पे, सब कुछ पहले वाला है। तो बस एक चेंज है जो मूव हुआ यहाँ पे गेम स्पेस ऐप्स के अंदर, यहाँ पे पहले जो है ये रहता था, यहाँ से अब मूव हो गया वहाँ। असिस्टेंट हालांकि पहले काम नहीं करता पिछले बिल्ड में, बट अभी वर्किंग है। ओके गूगल आप यूज़ कर पाओगे, लॉन्चर सेम रहेगा और नोटिफिकेशन भी सेम है। बैटरी की सेटिंग के अंदर किसी में भी कोई चेंज नहीं हुआ, बैटरी की सेटिंग सेम है। और बैटरी बैकअप के बारे में जैसे कि ऑलरेडी आपको बता चुका दिखा चुका सब कैसा था। एंड यहाँ पे आप बात करें साउंड एंड वाइब्रेशन के बारे में, तो यहाँ पर जो है आपको मल्टीपल सिम का तो मिल जाता है। मीडिया लेआउट अभी भी सेम है, यानी कि बेब एनिमेशन अभी भी नहीं मिलता मीडिया पे, प्ले पाउज पे सेम ही रहेगा। और यहाँ पे वाइब्रेशन हैप्टिक ये सारी चीज़ें जो है सेम ही रहेगी। और बाहर भी यहाँ पे सेम है, माई साउंड सेंसर ये सब आपका वर्किंग है। डिस्प्ले के अंदर में लॉक स्क्रीन का पूरा सेक्शन यहाँ पे जो है डिस्प्ले के लॉक स्क्रीन के अंदर जो मिलता है सब कुछ सेम है। बाहर भी देखोगे तो यहाँ पे भी सब कुछ सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। डिस्प्ले कटआउट यहाँ पे मिलता है हाइड नोच के लिए,
यहाँ कोई चेंज नहीं है, वॉलपेपर स्टाइल तो सेम ही रहेगा। सिक्योरिटी अगर बात करें तो यहाँ पे मोर सिक्योरिटी में जाते हैं तो ये रोम उसे बायडिफॉल्ट डिक्रिप्टेड आता है, इनक्रिप्टेड नहीं है, बायडिफॉल्ट डिक्रिप्टेड आता है। और ये सस्पिशियस मैसेज अलर्ट फेक मैसेज जो ये सब जो आते हैं उनके वार्निंग के लिए मिल जाता है, ये दिया हुआ है। एंड सिक्योरिटी सेम रहेगी, सेटिंग्स ऐप लॉक मिल जाता है। ऐप लॉक में आपको दिखा दो यहाँ पे कौन कौन से एप्लीकेशन सपोर्टेड हैं, तो देखोगे तो यहाँ पे सिस्टम एप्लीकेशन बिल्कुल सपोर्टेड, और यहाँ से आपको आप ऐप को हाइड भी कर सकते हो। और फिंगरप्रिंट बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करा, बायडिफॉल्ट जैसे कि सेटिंग्स के साथ में उसका रिपल इफेक्ट एनिमेशन को भी रिमूव किया गया है तब नहीं मिलता है। और जो फेस अनलॉक है आईयर फेस अनलॉक है तो इसको लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब चलते हैं यहाँ पे सिस्टम की तरफ, डिजिटल वेलबिंग ये सब आपका सेम ही रहेगा। एंड सिस्टम के अंदर यहाँ पे जो है थर्मल प्रोफाइल हमारा मिलता है जिससे आप यहाँ से प्रोफाइल से चेंज कर पाओगे किसी भी ऐप की, और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं टूट स्कोर के बारे में, तो 518,000 देखने मिल रहा है, पिछले में 432,000 था। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि अब लेटेस्ट एंड्रॉइड जो एंटूटू बेंचमार्क स्कोर वर्जन जो 10 है उसका यूज़ कर रहा हूँ, और अब जो इसका 3D बेंचमार्क है वो अब आपका लाइट पे टेस्ट करता है, पहले नॉर्मल वाले पे टेस्ट करता था, अब यहाँ पे लाइट वाला सपोर्ट करता है, नॉर्मल वाला नहीं, इसलिए अब स्कोर भी आपको थोड़ा बूस्टेड मिलेगा। और लेटेस्ट वर्जन पे भी आगे भी आपको जो है अब टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, फिलहाल सिमिलर से है, बस यहाँ पे लेटेस्ट पे अब बूस्ट मिलता है। एंड CPU थ्रोलेट यहाँ पे 88% मिला, और इसका जो जीप स्कोर है मैक्स पे 214,000 है, एवरेज स्कोर 198,000 है, पिछला CPU थ्रोलेट 90% था, मैक्स जो था इसका जीप स्कोर 175,000 था, एवरेज में 167 था, तो ये थोड़ा सा बेटर इस बार। गीगबेंच स्कोर सिंगल में 496 है, मल्टी के अंदर 1960 है, पिछले में सिंगल 468 था और मल्टी के अंदर 1961 है, तो ये सिमिलर से देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हमारा जो गेम स्पेस है वो भी चेंज हुआ है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, बैटरी का भी मिल जाएगा नीचे, मेमोरी अवेलेबल भी, और कुछ ऑप्शंस और एक्स्ट्रा मिलते हैं, पहले इतना जो है ऑप्शंस नहीं था, तो चार ही ऑप्शन पहले थे, तो अब ये भी चेंज हुआ है। बाकी जैसे कि बीजमाई इंडिया में आ गया एंड बैन हो चुका ऑफिशियली, प्ले स्टोर पर मिल जाता है। बस एक ही चीज़ है कि हाईर FPS अभी जो है 90 FPS वाला है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा नए वाले पे, जैसे कि देखोगे तो किसी भी रोम के अंदर शो नहीं कर रहा, जिन डिवाइस में सपोर्ट भी करता है, तो फिलहाल स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे ही खेलेंगे, हमारे में तो वैसे भी सपोर्ट नहीं करता, बट जिनमें सपोर्ट भी करेगा तो उन पे भी अभी शो नहीं कर रहा, मे बी अपडेट के साथ सही होगा या फिर रोम में कुछ बदलाव किया जाएगा तो सही होगा मॉड्यूल। फिलहाल अभी जो है यहाँ पे स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे हम खेल रहे हैं। और बात करें गेमिंग की, तो गेमिंग पहले भी आपको बताते इसके अंदर काफ़ी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाते है, और अभी भी गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी ही रहने वाली, गेमिंग परफॉर्मेंस में कुछ भी डाउनग्रेड ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। बैटरी आपकी इंप्रूव हुई है, एनिमेशन सिमिलर सही रहता है। एंड सिक्योरिटी पैच जरूर अभी आपको काफ़ी ओल्ड मिलता है, फरवरी का मिल जाता है, जबकि ये लेटेस्ट, हालांकि उस टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो उस टाइम पे यही देखने को मिलता था, ये लेट बिल्ड ही आया इसका, तो अभी फिलहाल अब देखते हैं अगले अपडेट में जो भी आता है, क्योंकि इसका जो है S2S के काफ़ी सारे डिवाइस के लिए रोम आता है और कुछ कुछ डिवाइस के लिए काफ़ी लेट आता है, जैसे इसका अगर आप देखोगे कुछ ज्यादा ही लेट देखने को मिला है, बाकी डिवाइस के मुकाबले कुछ कुछ का लेट आया है, बट यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी रहने वाली है। और जो चेंजेस तो ऑलरेडी आपको बताया है बैटरी बैकअप के बारे में भी, तो बैटरी इंप्रूव हुआ है, बट जो चेंजेस थे वो थोड़े बहुत जरूर आपके यहाँ पे चेंजेस मिलते हैं, ज्यादा बिल्कुल खतरनाक तो चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा ही चेंज हो जाता है कभी कभार, तभी फिलहाल तो इतना ही हमें देखने को मिला। और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।